चलो वो तो कट कर लेना बाद में। और आज हमारे पास आ चुका है रियलमी का 8i जो कि मैंने अभी अभी यहाँ पर इस बॉक्स से बाहर निकाला है, जो कि हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो आज आपको दिखाएंगे इसके बारे में क्या है खासियत इस फ़ोन में, ये करते हैं अनबॉक्सिंग इस फ़ोन की और देखते हैं क्या है खासियत इस पे। दोस्तों अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उसको क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। फ़ोन के बॉक्स की बात करें तो नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड यहाँ पर लिखा गया है, जहाँ पर 8i भी लिखा है। और अगर हम दोनों तरफ की बात करें साइड की तो रियलमी 8i लिखा गया है। नीचे की तरफ हम देखें तो मॉडल नंबर और यहाँ पर प्राइसिंग और इस बॉक्स में क्या क्या यूनिट है वो दिया गया है। बैक साइड की बात करें तो हीलियो G69 प्रोसेसर, 120Hz अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी, 50MP ट्रिपल कैमरा, 18W फास्ट चार्जर यहाँ पर लिखा गया है। और नीचे की तरफ वहीं पर ही यहाँ पर IMEI नंबर लिखे गए हैं और मॉडल नंबर लिखा गया है, तो ये आप देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ पर 6GB और 128GB वर्जन लिखा गया है, और साथ ही साथ फ़ोन का कलर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो निकाल देते हैं इसका बाहर का रैपर और सील ब्रेक कर लेते हैं, खोल के देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से। तो ये प्लास्टिक रैपर हमने निकाल लिया है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर एक येलो बॉक्स है जिसमें रियलमी लिखा गया है, हे वेलकम टू रियलमी फैमिली यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें हमारे पास सिम इजेक्टर पिन और यहाँ पर एक केस कवर है जो कि सिलिकॉन केस कवर है, काफ़ी स्मूथ, ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ पे। तो इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्विक गाइड यहाँ पर दी गई है जो कि वारंटी कार्ड भी है उसमें, और यहाँ पर सेफ्टी गाइड भी दी गई है, तो ये आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं फ़ोन जो कि हमने मंगाया है पर्पल कलर पे, तो कैसा इसका लुक है यहाँ पर देखते हैं। तो निकाल लेते हैं इसे प्लास्टिक रैपर से बाहर, तो ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में यहाँ पर बैक साइड से कितना ग्लॉसी लुक इस पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रियलमी ने बैक साइड में यहाँ पर ग्लास लगा के दिया है, तो उसमें फिंगरप्रिंट आपके ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, जिसमें चार कैमरे मतलब तीन कैमरे एक ही साथ दिए गए हैं और एक यहाँ पर फ्लैश दिया गया है, तो ये चार का एक कॉम्बिनेशन टाइप का है, जहाँ पर 50MP कैमरा भी लिखा गया है। तो ये फ्रंट की बात करें तो इसका हमारे पास जो इसका सेल्फी कैमरा है वो पंच होल डिस्प्ले में आता है यहाँ पर, तो एक साइड में है वो। नीचे की बात करें, अगर फ़ोन के नीचे की तरफ की बात करें तो हेडफोन जैक, यहाँ पर माइक्रोफोन और चार्जर और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। और यहाँ पर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर और स्विच बटन दिया गया है, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया गया है, पूरा प्लेन है, सेकेंडरी बैक नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर लेफ्ट साइड की बात करें तो सिम इजेक्टर ट्रे दी गई है और वॉल्यूम अप डाउन बटन दिए गए हैं। तो फ़ोन कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, पर्पल कलर है, काफ़ी शाइनी कलर यहाँ पर लग रहा है क्योंकि ग्लास है पीछे। बॉक्स में अगर हम और देखें तो यहाँ पर एक चार्जर केबल हमें देखने को मिलती है जो कि सी टाइप है, और यहाँ पर एक चार्जर हमें देखने को मिलता है जो कि रियलमी ब्रांड का ही है, और ये 18W का फास्ट चार्जर है। तो यही सब हमें बॉक्स में देखने को मिलता है, इसके अलावा हमें बॉक्स में कुछ और नहीं मिलता है। चलिए फ़ोन को फटाफट से कर लेते हैं यहाँ पर ऑन और सेटअप। तो फ़ोन हमने सेट कर लिया है और ऑन कर लिया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 120Hz की यहाँ पर जो डिस्प्ले है काफ़ी स्मूथ यहाँ पर चल रही है, ये देख सकते हैं आप मेरा सामने जो कि स्क्रीन है काफ़ी स्मूथली चल रही है, और यहाँ पर प्री इंस्टॉल ऐप हमें कुछ पहले से ही देखने को मिलते हैं, तो कुछ आपके यूज़ के हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। फ़ोन के इंटरफेरेंस की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं टच कितना बढ़िया यहाँ पर चल रहा है,
तो इसके अबाउट फोन में जाते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या है खास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर UI जो है 2.0 वर्ज़न दिया गया है, एंड्रॉयड वर्ज़न जो है वहाँ पर 11.0 दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। और इसके अलावा बात करें तो हीलियो का G96 प्रोसेसर दिया गया है, 6GB रैम है, 128GB यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से 111 यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए इसका कैमरा ऑन करके देखते हैं। तो 50 मेगापिक्सल यहाँ पर कैमरा बताया गया है कंपनी की तरफ से। तो देखते हैं इसमें कैमरे में हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये कैमरा हमने ऑन कर लिया है, लोकेशन मांग रहा है तो अलाउ कर देते हैं इसे। तो ये देख सकते हैं आप, रियर कैमरा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हम साइड से बात करें तो नाइट मोड, वीडियो मोड, फोटो, पोर्ट्रेट मोड, 50 मेगापिक्सल यहाँ पर अलग से दिया गया है। और अगर हम मोड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डबल व्यू वीडियो दिया गया है ऑप्शन। ये ऑप्शन जो है अभी तक ओप्पो के फ़ोनों में देखने को मिलता था, तो रियलमी ने भी अब ये फंक्शन दे दिया है। इसमें आपके दोनों कैमरा एक ही साथ वर्क करते हैं और आप इसमें सेल्फी और रियर कैमरा से एक ही साथ वीडियो बना सकते हैं। तो डबल व्यू यहाँ पर वीडियो मोड ये है, इससे भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो स्लो मोशन, टाइम लैप्स और मूवी एक्सपर्ट, पोर्नोमा मोड, टेक्स्ट स्कैनर, अल्ट्रा माइक्रो, एक ये फंक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अल्ट्रा माइक्रो जो है वो काफ़ी नज़दीक की चीज़ों के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2-3 इंची ही यहाँ पर फ़ोन को रखना पड़ता है इस मोड को अगर आप चलाएंगे तो। यहाँ पर ये देख सकते हैं जो यहाँ पर मूवी मोड है, तो वो आपको थोड़ा उसके लिए सीखना पड़ेगा। सेल्फी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम फंक्शन देखने को मिलते हैं जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर कैमरा हमें देखने को मिला है। तो कुछ कैमरा सैंपल इसके मैं आपको दिखाता हूँ आगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि कैमरा कैसा वर्क करता है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि मैंने इसी फ़ोन से ली हैं, अलग अलग मोड में, पोर्ट्रेट मोड, सिंपल मोड जो भी हैं, 50 मेगापिक्सल, तो सब में मैंने ये फ़ोटोज़ ली हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये आपको कैसा यहाँ पर कैमरा मिलेगा इस फ़ोन पर। तो सेल्फी भी मैंने कुछ ली हैं इस फ़ोन से, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके बाद आउटडोर की भी आपको दिखाता हूँ कुछ फ़ोटो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा यहाँ पर कैमरा हमें देखने को मिलता है। तो आप इसके सेल्फी कैमरा से देख रहे हैं ये वीडियो, देख सकते हो आप। थोड़ा यहाँ पर वॉइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है नॉइस, तो नॉइस में मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। इससे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर इसका माइक्रोफोन कैसा काम करता है, और ये अगर मैं इसे थोड़ा सा हिलाऊँ तो, शेकिंग करूँ तो कैसा यहाँ पर वीडियो बन रहा है। ये वीडियो इसके रियर कैमरा से मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये शेकिंग में आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर हिलता है कैमरा, तो स्टेबल तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन अभी मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए मेरे सामने बॉक्स रखे हुए हैं, तो इस प्रकार से देखिए आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसको फुल जूम करूँ, यहाँ पर 10x जूम हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्सल कैसे फट रहे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो। इसको देखो, ज़्यादा दूरी पे मैंने रखा नहीं है बॉक्स, एक बार सामने ही है, ये देख सकते हो आप। अगर मैं इसको 10x जूम कर दूँ तो आप सामने मेरे देख सकते हो कितना लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये इस प्रकार से इसका रियर कैमरा यहाँ पर काम करता है। तो कुछ मैं आउटडोर के अभी सैंपल दिखाऊंगा आपको इसमें। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके रियर कैमरा से, तो आप देख सकते हैं इसका रियर कैमरा कैसे काम करता है और कैसी आपको यहाँ पर लाइटिंग दिख रही है। तो ये शाम के समय का वक्त है अभी, और उसमें हम आपको दिखा रहे हैं इससे वीडियो बना के। तो आप देख सकते हैं ये डबल मोड है इसका यहाँ पर, जिसमें सेल्फी और सामने दोनों तरफ आप एक ही साथ वीडियो बना सकते हैं। तो अभी सेल्फी कैमरा में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, और ये देख सकते हैं मेरा हाथ ही मेरे फ्रंट में है, तो ये देख सकते हैं आप आगे पीछे एक साथ ही वीडियो बना सकते हैं। तो ये इसका नया फीचर है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर फास्ट है, एक बार और से ट्राई करके दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं आप। तो यही था इस फ़ोन के अनबॉक्सिंग वीडियो में और फर्स्ट लुक में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए, और बेल आइकन का